रविंद्र कुमार सिंह के नेतृत्व में दरभंगा प्रमंडल आयुक्त के समक्ष दिया गया एक दिवसीय धरना। दरभंगा एफसीआई गोदाम बेला मोड़ के पास भारी वर्षा के कारण ई रिक्शा पर गिरा बड़ा पेड़। महारानी कल्याणी महाविद्यालय लहरियासराय में मनाया जा रहा है स्वच्छता पखवाड़ा। निःशुल्क प्रशिक्षण हेतु चयन समिति के द्वारा अभ्यर्थियों के चयन हेतु कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रत्येक शुक्रवार की तरह इस शुक्रवार को भी लगा दरभंगा जिलाधिकारी राजीव रोशन का जनता दरबार। मातृ स्मृति दिवस सह बाल कवि सम्मेलन का किया गया आयोजन। दरभंगा नगर निगम के सभागार कक्ष में सफाई मित्र सुरक्षा शिविर का किया गया आयोजन। मूसलाधार बारिश की वजह से सदर अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर में घुसा पानी। रविंद्र कुमार सिंह उर्फ चिंटू सिंह के नेतृत्व में दरभंगा प्रमंडल आयुक्त के समक्ष एक दिवसीय धरना दिया गया। वहीं धरना के माध्यम से मुख्यमंत्री बिहार पटना का ध्यान आकर्षित किया गया। आज हम लोग 5 सूत्री मांगों को लेकर धरना पर बैठे हुए हैं कि आयुक्त महोदय के माध्यम से बिहार सरकार को अवगत करावे और उन पर कार्रवाई करे। सबसे पहली मांग है कि बिहार के पूर्व डीजीपी संजीव कुमार सिंघल जो केंद्रीय सिपाही चयन पर्षद के अध्यक्ष थे उनके द्वारा सिपाही भर्ती में प्रश्न पत्र लीक हुआ था। लीक के मामले में मैंने माननीय मुख्यमंत्री को आवेदन दिया था, आलोक में जांच हुई। जांच होने के बाद जो है अन्य लोगों की गिरफ्तारी हुई, लेकिन अभी तक संजीव कुमार सिंघल की गिरफ्तारी नहीं हुई और न FIR हुआ है। यह दुर्भाग्य है। हमारे देश में दो कानून नहीं चलेगा। जिस तरह आम जनता के लिए कानून है उसी तरह एक भ्रष्ट अधिकारी के लिए भी, उस पर तो और बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन उनमें देर करना तो कहीं न कहीं बिहार सरकार में कुछ लोग बैठे हुए हैं जो संजीव कुमार सिंघल को बचा रहे हैं और इसकी कार्रवाई को लेकर आज धरना पर बैठे हैं। दूसरी मांग थी हमारी कि सिंघिया में कांड संख्या 8024 आपने देखा था विगत दिनों कि एक नाबालिग युवक को 3 दिन तक हाजत में बंद रखा और बंद रखने के बाद जो उसको उपकारा भेजा गया उसमें उसकी तबीयत उनके साथ मारपीट गई। मारपीट करने के बाद उसकी दरभंगा FCI गोदाम बेला मोड़ के बीच भारी वर्षा के कारण सुबह करीब 7 बजे अचानक एक विशाल पेड़ एक ई रिक्शा पर गिर गया। वहीं संयोग से ई रिक्शा पर सिर्फ चालक राजेश कुमार यादव था जिसे किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ, मगर ई रिक्शा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। इस सड़क पर पेड़ गिरने से यातायात बाधित हो गया। सूचना मिलने पर दरभंगा नगर निगम के जोन प्रभारी गौतम कुमार निगम कर्मियों के साथ JCB मशीन लेकर गिरे पेड़ को हटाया। करीब 3.5 घंटे की मशक्कत के बीच सड़क से पेड़ को हटाकर यातायात बहाल कराया गया। लगभग 7 बजे के लगभग आज बारिश हो रही थी, जिसमें ये टेम्पो ड्राइवर है बेचारा आ रहा था उधर से और उसके ऊपर पेड़ गिर गया जो कि भारी भरकम पेड़ थी, उससे पूरा रोड ब्लॉक हो गया, जाम हो गया। तो हमको दरभंगा नगर निगम में मैं जॉब करता हूँ, मेरा नाम गौतम कुमार राम है और मैं चुनाव पदाधिकारी हूँ। तो मेरे द्वारा आया और JCB ला करके इसको हटा करके इसको जाम को क्लियर करा। ये आ रहा है पेड़ गिर गया कब? कब गिरा? कब गिरा? 7 बजे करीब। आदमी भी था इसमें? आदमी नहीं, किसी को कुछ हुआ नहीं ना? आ
आज 27 सितंबर शुक्रवार को स्थानीय महारानी कल्याणी महाविद्यालय लरियासराय में प्रधानाचार्य मोहम्मद रहमतुल्ला की अध्यक्षता में स्वच्छता पखवाड़ा का आयोजन किया गया। वहीं अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में प्रधानाचार्य मोहम्मद रहमतुल्ला ने कहा कि स्वच्छता में खुदा का निवास होता है। जैसे अपने घर को हम सभी स्वच्छ रखते हैं, वैसे ही हम सबों का कर्तव्य है कि महाविद्यालय प्रांगण को भी स्वच्छ रखे। अगर घर आपका निवास स्थान है तो महाविद्यालय प्रांगण विद्या का मंदिर है, इसलिए यहाँ उपस्थिति सभी स्वयं सेवक से अपील है कि अपने आसपास के जगहों को स्वच्छ रखे और इसके प्रति समाज में जागरूकता लाए। दरभंगा में शुक्रवार को अयाची नगर बेता स्थित न्यू होराइजंस कंप्यूटर लर्निंग सेंटर दरभंगा में राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संचालित राष्ट्रीय कौशल योग्यता फेम वर्क आधारित कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी में निःशुल्क प्रशिक्षण हेतु चयन समिति के द्वारा अभ्यर्थियों के चयन हेतु कार्यक्रम आयोजित किया गया। मौके पर अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन किया गया। जो है आज जो है यहाँ पे हम एक मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक प्रोजेक्ट है, इसकी डेवलपमेंट के रिगार्डिंग प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट का नाम है हमारा एम्प्लॉयबिलिटी एनहांसमेंट एंड लाइवलीहुड ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑफ यूथ थ्रू कैपेसिटी बिल्डिंग एंड स्किल डेवलपमेंट इन ITC। तो बेसिकली इस प्रोजेक्ट के अंडर में SC ST और EWS विभिन्न कैंडिडेट्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग प्रोवाइड हम लोग करेंगे। इसमें जो है जो प्रोग्राम्स होंगे वो IT और इलेक्ट्रॉनिक्स एरिया के होंगे। इसके थ्रू हमारा पर्पज है कि हम उनको स्किल प्रोवाइड कर सकें कैंडिडेट्स की स्किल्स, जिससे कि एम्प्लॉयबिलिटी इनहांस। प्रत्येक शुक्रवार की तरह इस शुक्रवार को भी दरभंगा जिलाधिकारी राजीव रोशन के द्वारा जनता दरबार लगाया गया। वहीं इस जनता दरबार में जिलाधिकारी के कार्यालय पर अच्छी संख्या में फरियादियों की मौजूदगी देखने को मिली। जनता दरबार में अधिकतर फरियादी जमीनी विवाद से संबंधित मामलों की शिकायत को लेकर पहुँचे थे। हमारा मकान है खतियान में गैर मजरुआ लिखा हुआ, हमारा घर 70 बरस से भी ज्यादा पहले से उसमें हमारा मकान है। CO साहब दिए थे जांच में ब्लॉक अमीन को, वो रिपोर्ट कर जांच करके रिपोर्ट दिए 70 साल से भी पुराना पक्का इसका मकान कानून में है 30 बरस तक है। जिसके कब्जे में जमीन है बिहार सरकार का जमीन, उसको एडवर्स पोजीशन कहा जाता है। हमसे पश्चिम जो है खर्चा वर्चा करके पिछड़ा असल में खाता खोला आप लिया। आए हैं इसीलिए जो हमारा कल्याण हो, हम झूठे हैरान हो। जमीन के बारे में पूछना है, घर झमेला चल रहा है जमीन के बारे में अपना भैयारी में। अच्छा, कोई टीनर गाड़ देता है, कुछ करता है, हैरेसमेंट करता है। कहाँ का ये जमीन है? सोभन में। अच्छा, तो इसमें क्या दिक्कत हो रहा है आपको? दिक्कत ये हो रहा है कि हम सब जगह आवेदन दिए, बार बार घर में धमकी देता है, कभी करता है। अभी कहाँ आए आप? मातृशक्ति ही सर्वोपरि होता है, माँ ही सृष्टि की आधार होती है। उक्त बातें मुख्य अतिथि प्रोफेसर डॉक्टर प्रभाकर पाठक, पूर्व विभागाध्यक्ष, स्नातकोत्तर हिंदी विभाग, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा ने आज आयोजित मातृ स्मृति दिवस सह बाल कवि सम्मेलन में दरभंगा सेंट्रल स्कूल कृष्णा विहार वासुदेवपुर में कही कि कल बेटा तुमने सपना क्या देखा था, क्योंकि कल बस तुम्हारा है। आज बड़ा अच्छा मौका है और इस मौके पर अगर हम अपने परम आदरणीय परम गुरु सत्ता को प्रणाम नहीं करें तो यह कहीं भी मुखातिब नहीं। आज शुक्रवार को स्वच्छता ही सेवा 2024 अभियान अंतर्गत दरभंगा नगर निगम के सभागार कक्ष में सफाई मित्र सुरक्षा शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में वार्ड 1 से 24 के 200 से अधिक सफाई कर्मियों ने निशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण एवं दवा का लाभ लिया। वहीं अगला स्वास्थ्य शिविर 30 सितंबर को प्रातः 11 बजे से 5 बजे तक कमला नेहरू पुस्तकालय में लगाया जाएगा, जहाँ बाकी के सफाई कर्मी निःशुल्क जाँच करवाएंगे।
अभी नगर निगम दरभंगा नगर निगम के सभागार में स्वच्छता पखवाड़ा का जो 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक जो पखवाड़ा चल रहा है उसमें हम लोग दरभंगा में शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र राज कैंपस के द्वारा हम लोग यहाँ पे स्वास्थ्य हेल्थ कैंप लगाए हैं, जिसमें हम लोग ब्लड प्रेशर और शुगर और जनरल जो फिटनेस वगैरह जो भी है सभी तरह की सुविधा दे रहे हैं। सभी प्रकार की दवा और सभी प्रकार की दवा यहाँ पे उपलब्ध है। ये दरभंगा शहरी जो स्वास्थ्य केंद्र है राज कैंपस में, उसके द्वारा आज स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया नगर निगम सभागार में। सफाई मित्र जो है जिसमें 17 से लेकर सितंबर से 2 अक्टूबर तक चल रहा है, उसी के तहत हम लोग आए हैं। नया अफसर के क्या कहते हैं लीडर दिया गया था, उन्हीं के आलोक में हम लोग यहाँ पर स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किए हैं, जिसमें क्या कहता है बीपी शुगर उसके बाद और अन्य प्रकार की जांच भी है यहाँ पर। उसके बाद स्किन से रिलेटेड जो भी क्या कहता है समस्या था, जैसे नोचनी, पैर में पानी लग जाना, उसके बाद क्या कहता है ये डिनाय, इस तरह की जो समस्या थी उसके रिलेटेड भी जो दवा थी। मधुबनी में गुरुवार के अहले सुबह से हो रही मूसलाधार बारिश के कारण एक बार फिर सदर अस्पताल के ओटी में पानी घुस गया। ये कोई नई बात नहीं है, हल्की बारिश होती है तो ओटी और अस्पताल अन्य जगहों पर पानी लग जाता है। इस साल में कई बार सदर अस्पताल के ओटी में पानी घुस गया। मालूम हो कि ओटी में पानी घुस जाने की वजह से परेशानी हो रही है, जबकि इसकी परेशानी चिकित्सकों व स्वास्थ्य कर्मियों को उठाना पड़ रहा है।